कच्चे मकान गिरने से 17 वर्ष महिला की हुई मौत। चंदौली जनपद के ब्लॉक नियंताबाद अंदरून ग्राम सभा हसनपुर के खमरिया तेज बारिश की वजह से कच्चे मकान गिरे, जिसकी चपेट में आने से 70 वर्ष महिला की हुई मौत। जब भी केंद्र सरकार व राज्य सरकार यह द्वारा चलाए गए अभियान के कच्चे मकान किसी का ना रहे, सरकारी योजनाओं को पलीता लगा रहे कुछ अधिकारी, जिससे आए दिन मकान गिर रहा और कोई न कोई घटना घट रहा है। जानकारी के अनुसार चंदौली जनपद के थाना बुबरी अंतर्गत ग्राम सभा हसनपुर के कमरिया कुछ लोगों द्वारा पता चला कि तेज बारिश की वजह से मुन्नी यादव उम्र लगभग 70 वर्ष महिला कच्चे मकान गिरने से मौत हो गई। कच्चे मकान गिरने की वजह से सुनकर परिजनों के मौके पर ही मौत हो गई। मुन्नी यादव को देखकर लोगों में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस आगे कार्रवाई में जुटी। मृत्यु मुन्नी यादव के पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। वहीं मौके पर लेखपाल राजकुमार सिंह व कानून को भी अपने कार्यवाही में जुटे हुए हैं। चंदौली से रविशंकर मिश्रा की स्पेशल रिपोर्ट। नाम है? कहाँ के रहने वाले हैं? क्या मामला है यहाँ? कोई अभी तक आया प्रशासन वगैरह? शाम के लोग जी देर बजे तक कोई यार। अच्छा अच्छा, अभी किसी को फोन किया गया है? नहीं, फोन तभी हम नहीं करी भैया। अच्छा अच्छा। मैं आनंद कुमार, तहसीलदार पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर चंदौली। और मैं, क्या मामला था यहाँ पे? यहाँ पे मामला ये था कि कल जो दिन भर रुक रुक बारिश होता रहा, उससे एक कच्चा मकान गिर जाने से एक लगभग 80 वर्षीय मुन्नी पुनिया पत्नी स्वर्गीय विश्वनाथ की मृत्यु हो गई। उसी की जांच में मैं आया था और उसके संबंध में जो भी फॉर्मेलिटी है वो पूरा कर मैं ले जा रहा हूँ। और आपदा राहत के अंतर्गत तो सर, आपके माध्यम से क्या इनको सहयोग मिलेगा? बिल्कुल, राहत आपदा के तहत हमारी यहाँ व्यवस्था है और इनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त होते ही इनकी पत्रावली तैयार करके स्वीकृत करा करके इनका जो भी नियमानुसार ये है तत्काल भुगतान कराया जाएगा। सर, उसमें फॉर्मेलिटी बताएंगे क्या क्या सुविधा है उसमें? उसमें राहत आपदा अधिनियम के अंतर्गत 4 लाख रुपया दिए जाने की व्यवस्था है और कृषक दुर्घटना बीमा में 5 लाख रुपया, इन दोनों में से कोई एक धनराशि ही दे है, तो यथासंभव जो भी है उसको हम पूरा कराएंगे तत्काल। सर, ये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण जो है कि बहुत, जैसे कि प्रधानमंत्री जी का जो पूरा है कि कच्चा मकान ना रहे, अभी भी इस गांव में कच्चा मकान है, सर इसके लिए क्या बोलेंगे? मैं तो प्रथम बार अभी इस गांव में आया हूं, तो मेरा यह कहना है कि गांव में जब सरकार हमारी सरकार की तरफ इतनी व्यवस्था हो तो कच्चे मकान में रहने का कोई औचित्य नहीं है। और इस प्रकार के लोगों को जो गरीब हैं और जिनके पास कच्चे मकान सिर्फ है, उन्हें मैं जिलाधिकारी महोदय को लिखूंगा कि प्रयास कर ऐसे लोगों को चिन्हित कर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनको सरकारी आवास दिलवाया जाए। सर, यहाँ पर इतनी बड़ी घटना हुई और अभी सेक्रेटरी साहब मौजूद नहीं है, सर क्या कहेंगे इसके बारे में? आपके द्वारा जैसा कि बताया गया कि पंचायत सेक्रेटरी को भी अवगत कराया जा चुका है, उन्हें निश्चित रूप से ऐसे घटना के समय उपस्थित होना चाहिए था, अभी नहीं पहुँचे हैं। मैं इस बारे में आगे की कार्रवाई देखूंगा। फिलहाल जो इस संबंध में कार्रवाई करनी है तत्काल करके तहसील स्तर से इसे पूर्ण कर शीघ्र ही जिलाधिकारी महोदय के पास भेजा जाएगा।